महसूल वेलफेयर एसोसिएशन कराची की सतह पर दूसरी बार महसूल व बरकी कौम के खानदानों के लिए पेश पेश। याद रहे गुज़िश्ता कोरोना वबा के दौरान महसूल वेलफेयर एसोसिएशन ने 2000 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया। इसके साथ 750 बच्चों को फ्री तालीम मुहैया कर रहे हैं और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में मुकीम मुस्तहिक तलबे इल्मों को स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। पिछले साल 36 लाख का राशन तकसीम किया गया। विधवाओं और यतीम बच्चों में 26 लाख कैश रकम तकसीम की गई। इसके अलावा महसूल वेलफेयर एसोसिएशन हर साल 50 यतीम बच्चे सुबह फाउंडेशन बेचते हैं, जिसका मेयार पूरी दुनिया में माना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा बजीर है और मैं सहाफत से वाबस्ता हूँ और पिछले कई सालों से कराची और इस्लामाबाद में सहाफत की जो जिम्मेवारी है वो सर अंजाम दे रही हूँ। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि मेरा ये वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं खुद ज़ाती तौर पर इस वेलफेयर का हिस्सा हूँ। महसूल वेलफेयर एसोसिएशन इस वक्त तक लाखों ऐसे अफराद हैं जिनको राशन भी फराहम कर चुकी है, उनकी मदद भी कर चुकी है। मेरा यही कहना है कि कोरोना की वजह से हालात ऐसे हैं कि लोग गुर्बत की लकीर से ज़्यादा नीचे जाकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और महसूल वेलफेयर एसोसिएशन इस वक्त मुल्क के 4 से 5 बड़े शहरों में काम कर रही है, लेकिन इस वक्त ये वीडियो पैगाम मेरा सिर्फ स्पेशली कराची वालों के लिए है कि आपका दिया हुआ एक पैसा भी ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि महसूल वेलफेयर एसोसिएशन मावा के जो लोग हैं वो इस पैसे को जमा करके हर घर में जो ज़रूरतमंद हैं, जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उन तक राशन पहुंचाना, रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं। सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो ना तो किसी से मांग सकते हैं, ना ही उनके पास कोई रोज़गार है और ना ही हमारी हुकूमत की जानिब से उनकी मदद की जाती है। ऐसे हज़ारों लोग जो हैं वो आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं और आपका दिया हुआ एक पैसा उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल भी सकता है, उनके घरेलू हालात बेहतर कर सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि महसूल वेलफेयर एसोसिएशन की मदद करें, उनको इमदाद दें और आपके एक एक पैसे का जो हिसाब है वो महसूल वेलफेयर एसोसिएशन जो है अपने तौर तरीके के मुताबिक लोगों के घरों में राशन पहुंचाकर उनकी मदद करके। जो साहिब हैसियत हजरात महसूल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर गरीब और नादार लोगों की मदद करना चाहते हैं वो लिस्ट में मौजूद नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।